आज हम बनाने जा रहे हैं सबकी फेवरेट चाट जो है भेलपुरी। हम इसे बहुत ही इजी स्टेप से बनाएंगे, तो चलिए चलते हैं किचन में बनाने भेलपुरी। और कैसे हैं मेरे फूडीज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चेतना सास बहू कुकिंग क्लासेस। तो आइए बनाने खाने और खिलाने का सिलसिला शुरू करते हैं। भेलपुरी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे फूलिया, इसे पफ्ड राइस भी कहते हैं, और लेंगे खट्टी मीठी इमली की चटनी। इसकी रेसिपी आप ऊपर लिंक पे देख सकते हैं। थोड़ा सा जलजीरा, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और बारीक सेव, सूखा पुदीना, काला नमक, भुना हुआ जीरा और लाल मिर्च। अब हम एक इस तरह का मिक्सिंग बोल लेंगे, उसमें सबसे पहले हम जो एक टमाटर हमने चॉप करके रखा था वो डाल देंगे, एक कटा हुआ प्याज, एक हरी मिर्च, आधा चम्मच जलजीरा, इसकी जगह आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, 1/4 चम्मच काला नमक, एक चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच मिर्च पाउडर। ये हमने सूखा पुदीना लिया है, इसे हम क्रश करके डाल देंगे। अब हम डालेंगे खट्टी मीठी इमली की चटनी। हम यहाँ पे 8 चम्मच चटनी डाल रहे हैं। अगर आपके पास चटनी अवेलेबल ना हो तो आप शक्कर का पानी घोल के भी डाल सकते हैं। अब हम इन सारी चीजों को एक बार मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ जो हमारी गीली चीजें हैं वो पहले डाली है, ताकि जो हम फूलियाँ इसमें जब डालेंगे तो वो सौगी ना हो जाए या गीली ना हो जाए। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इस मिक्सर में हम ये पफ्ड राइस ऐड कर देंगे और जल्दी से इसे मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे अब हम इसमें भुजिया ऐड करेंगे। अगर आपके पास बारीक सेव नहीं हो तो आप भुजिया भी डाल सकते हैं। और ये भेल एकदम रेडी है। अब हम भेलपुरी को एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। और ऊपर से गार्निश के लिए थोड़ी सी भुजिया, क्रंच के लिए और कटा हुआ हरा धनिया। भेलपुरी एकदम रेडी है खाने के लिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।